हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और बच्चों क्या हाल चाल, बढ़िया मस्त। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट के एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन की ओर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिएगा, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट फर्स्ट, है ना। देखिए क्या कहता है, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड c इज इक्वल टू 3 4 5 6। फाइंड a डेस का मतलब पता है कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो a डेस हम फाइंड करेंगे। तो a डेस क्या होगा, तो एडेस होगा आप लोगों के पास, एडेस इज इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए। सो यू माइनस ए, जो यू में हो बट ए में ना हो, दिस मीन्स क्या बात हो जाएगी बेटा, 1 2 3 4 को रिड्यूस कर दो, यहाँ से हटा दो, कैंसिल कर दो, तो 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है बच्चों? ठीक है, देखते हैं सेकेंड। अगर आप बी डेस फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा यू माइनस बी, सो इज इक्वल टू जो U में हो बट B में ना हो, 4 2 4 6 8, दिस मीन्स 1 3 5 7 एंड 9। अगर आप A यूनियन C ऑफ ऑल डेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अब A यूनियन C का मीनिंग क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ A यूनियन C निकाल लीजिए। A यूनियन C दिस मीन्स जो A में भी है और C में भी है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर मैं इसका डेज फाइंड आउट करूं, दिस मीन्स यू माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, ए यूनियन सी, सो दिस इक्वल टू जो यू में है बट इसमें नहीं है, मतलब 1 2 3 4 6 तक तो है, तो हो जाएगा आपके पास 7 8 एंड 9। अब अगर आप ए यूनियन बी चेक करें बेटा, तो ए यूनियन बी क्या होता है आपके पास, जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 6 एंड 8। ए एंड बी का यूनियन फाइंड आउट कर लिए, अब हम करेंगे यू माइनस ए यूनियन बी, सो हो जाएगा आपके पास 1 हो गया है, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी, 5 7 एंड 9। अब ए डेज ऑफ होल डेज, ए डेज ऑफ होल डेज, अब ए डेज ऑफ होल डेज दिस मीन्स ए, सो ए की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 एंड बी माइनस सी, सो बी माइनस सी फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो बी माइनस सी क्या होगा, बी माइनस सी जो बी में हो बट सी में ना हो, क्या हो जाएगा आपके पास, देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 कैंसल 6 कैंसल, तो ओनली 8। दिस मीन्स यू माइनस क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, यू माइनस बी माइनस सी, सो इज इक्वल टू 2 एंड 8 को कैंसिल कर दीजिए, बाकी सब ले लीजिए, तो जाएगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ये हो जाएगा आपका बेटा फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें बच्चों, तो कहता है इफ यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग साइड्स। अब आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट दिस मीन्स ए डेस या बी डेस सी डेस, जो भी सेट है आपके उसका डेस ले लेंगे। सो ए गिवन है, अब अगर आप a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा u माइनस a। अब a में a b c है तो क्या हो जाएगा, d e f g एंड h। क्लियर, अगर आप b डेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो u माइनस b। क्लियर, तो हो जाएगा आपके पास, अब b क्या है, d e f g, d e f g, दिस मीन्स ए बी सी,
और ये क्या हो जाएगा आपके पास एंड एच। अगर सी कॉम्प्लीमेंट देखेंगे बेटा आप तो क्या हो जाएगा यू माइनस सी इज इक्वल टू ए सी ई जी दिया है, इसका मतलब क्या आएगा बी डी एफ एंड एच। अगर डी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं आप तो क्या हो जाएगा ये यू माइनस डी इज इक्वल टू एफ जी एच ए, एफ जी एच और ए, दिस मीन्स बी सी डी एंड ई। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्या कहता है आपके पास कि आपके पास जो नेचुरल सॉरी यूनिवर्सल जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। दिस मीन्स अगर आप यू चेक करें तो यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये यू हो जाएगा आप लोगों के पास बेटा यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये यू मिल गया आपको यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का सेट है। अब ए देखो कहता है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। दिस मीन्स अगर आप एक्स की बात करें बच्चों तो एक्स क्या है ये फर्स्ट जो सेट है आपके पास ये इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2, 2, 4, 2, 4 अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 एंड सो ऑन। एंड ऑड नेचुरल नंबर देखेंगे तो ऑड नेचुरल नंबर बेटा 1, 3, 5 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब इन दोनों सेट के लिए है ना सी को देख लो, अभी पहले बना लेते हैं सभी को ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि अगर बात करेंगे x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, दिस मीन्स 3, 6, 9 एंड सो ऑन। अब कहता है x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर दिस मीन्स 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यहां कहता है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं डिविजिबल बाय 3 एंड 5। एक सम को नेचुरल नंबर राइट करना है और क्या होना चाहिए डिविजिबल बाय 3 एंड 5, दिस मीन्स 3, 5, 3, 5 अब देखेंगे 6, 9, 10 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब क्या हो गया आपके पास एक्स इज सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर दिस मीन्स क्या होगा आपके पास परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 1, 4 है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर अब देखेंगे 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। अब इसे चेक कीजिए तो ये क्या आपके पास कहता है x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब की बात करेंगे दिस मीन्स 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड सो ऑन। इसकी बात करें बच्चों तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। दिस मीन्स अगर मैं इसकी बात करूँ सॉल्व करूँ तो ये आपके पास ओनली मिल जाएगा 3। इसकी बात करें बच्चों तो x इज सच दैट x प्लस 2 सॉरी x 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 5 को ट्रांसफर करेंगे 4, 2 से कैंसिल आउट तो 2। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन इक्वल 7, दिस मीन्स 1, 2 सॉरी x आपके पास क्या है ग्रेटर देन है ना लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल है तो ये हो जाएगा 7, 8, 9 एंड सो ऑन। आप इसे चेक करेंगे बेटा तो अभी आपको दिख तो नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मेरी इमेज है, तो इस क्वेश्चन को मैं कहीं और राइट कर दूंगा, इसको लास्ट में बता दूंगा। क्लियर है। चलिए अब इसको समझते हैं। अब आप ये जो गिवन आपके पास सेट है इस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट देखना है, कॉम्प्लीमेंट देखना है दिस मीन्स क्या करेंगे अगर इवन नंबर का सेट है तो आपके पास क्या मिलेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट देखूँ तो अगर मैं इस सेट को सपोज ए कह दिया, सभी सेट ए है अभी आपके पास, सभी सेट हम क्या ले लेते बेटा ए है आपके पास ठीक है ना, आपके पास क्या बेटा ये ए सेट है ना ए सेट आपके पास गिवन है। तो ध्यान से देखिए
तो अब ध्यान से देखिए बेटा क्या होगा। तो कहता है अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, अगर आप ए इनवर्स फाइंड आउट, सॉरी ए डेज फाइंड आउट करेंगे, ए डेज, तो ए डेज क्या हो जाएगा, ए डेज आपके पास हो जाएगा कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अरे भाई अगर आपके पास ये क्या है, इवन नंबर है तो ऑड नंबर का सेट नहीं आएगा, इसमें जितने नंबर है यानी कि क्या करेंगे u माइनस a, तो भाई जो u में हो बट a में ना हो, ठीक है। जो ये a डेज क्या होगा, a डेज क्या होगा, a डेज जो फाइंड आउट, a डेज के जो एलिमेंट होंगे वो u में बिलोंग करेंगे बट a में बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो यही तो होगा। अब अगर इसका a डेज फाइंड आउट करें तो a डेज क्या फाइंड आउट हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन। भाई अगर ऑड नंबर है तो नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नंबर आएगा, अगर इवन नंबर था तो ऑड नंबर आया था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो भाई a डेज क्या फाइंड आउट होगा, a डेज फाइंड आउट होगा आपके पास, इसको अगर मैं थ्योरेटिकली लिखूं तो कहेगा x इज सच दैट x इज अ या इसको अगर ऐसे ना भी बोला जाए तो थोड़ा इसको कह सकते हैं ऐसा कि a डेज इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ से जो होगा मल्टीपल ऑफ 3 को कैंसिल कर दीजिए यू में से। अगर आप इसके लिए ए डेज फाइंड आउट करेंगे तो भाई प्राइम नंबर है तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, x इज सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। मुझे बताइए अगर प्राइम नंबर माइनस कर दे तो कंपोजिट ही तो मिलेंगे, क्लियर है कि नहीं। चलो ठीक, अब कहता है यहां पर आपके पास गिवन है डिविजिबल बाय 3, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर ऐसे नंबर को राइट करेंगे ए डेज को कि जो 3 and 5 से डिविजिबल ना हो, मतलब 1, 2, 4, 6 भी नहीं होगा, 7, 8, 9, 10 को हटा देंगे, 11, 12 भी हट जाएगा, 13, 14, 15 हट जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, ऐसे नंबर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर दिया है, तो भाई a डेज क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब x इज सच दैट x इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बेटा, क्लियर है। अब आप इसको देखोगे तो अब इसका a डेज फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, क्या कहते हैं परफेक्ट क्यूब है, तो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, मतलब x इज सच दैट x इज अ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। इसको देखोगे 3 है तो अब इसको कैसे लिखोगे, तो क्या कर देंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू या a डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1, 2, 4, 5 एंड सो ऑन। भाई 3 को हटा दीजिए, यहाँ देखो 2 को हटा दीजिए, तो a डेज इज इक्वल टू 1, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, अगर आप a डेज फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओनली, बाकी नंबर तो यहाँ पर गिवन है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, कहता है x इज सच दैट x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, एंड क्या कहता है आपके पास 2x + 1 इज ग्रेटर देन 7। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ, आपके पास एक सेट ए गिवन है बेटा, कहता है x इज सच दैट x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। तो भाई इसको हम a को ऐसे लिख सकते हैं कि भैया x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर रखना है अपने को, x नेचुरल नंबर रखना है, और ये क्या हो जाएगा आप ध्यान से देखेंगे, यानी x जो होगा आपके नेचुरल नंबर होंगे, x क्या है आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। और कहता है कि आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वो क्या होना चाहिए, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इस 10 से बड़ी होगी,
तो अगर मैं वन पुट कर रहा हूँ, अगर मैंने वन पुट किया तो भाई कितना होगा, वन इंटू टू टू प्लस वन थ्री, कितना हो जाएगा, ये होगा थ्री। ठीक है, अब आपको एक्स इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर है भाई, जीरो पुट नहीं कर सकते, जीरो पुट करोगे तो ये वन आएगा, पर जीरो पुट नहीं कर सकते हैं। चलिए टू पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, फाइव, है ना, टू टू जा फोर एंड वन फाइव। अगर थ्री पुट करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स एंड सेवन, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन एंड वन टेन। तो थ्री पुट सॉरी थ्री फोर पुट करेंगे तो फोर टू जा एट एंड वन नाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिलोंग कर रहे हैं। तो कहता है अब आपके पास अगर आप एडेस फाइंड आउट करेंगे तो एडेस क्या होगा, तो एडेस आपके पास क्या हो जाएगा, एडेस आपके पास ये बंदी कंडीशन हो जाएगी कि वन टू फोर सिक्स, है ना, वन टू फोर सिक्स। ठीक है, वन टू फोर सिक्स, सेवन नहीं होगा एट, नाइन नहीं होगा टेन, इलेवन ट्वेल्व एंड सो ऑन, ये मिल जाएगा आपके पास एडेस। क्लियर है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए, इसको हम कर देते हैं अब क्लीन, क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे आगे वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, क्वेश्चन नंबर फोर कहता है यू इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर टू नाइन, ए इज इक्वल टू वन टू सॉरी टू फोर सिक्स एंड एट, बी इज इक्वल टू टू थ्री फाइव एंड सेवन, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज। ध्यान से देखो, वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे तो बेटा ये टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव सिक्स सेवन एंड एट। क्लियर है, अगर आप यहां पर ए यूनियन बी ऑफ होल डेज फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी ऑफ होल डेज फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यू माइनस ए यूनियन बी सो इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया, यहां आ जाएगा आपके पास वन एंड नाइन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप एडेस फाइंड आउट करते हैं तो एडेस क्या होगा, यू माइनस ए, यू माइनस ए, दिस मीन्स वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन। चलो अब अगर बी डेज फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो यू माइनस बी वन, ठीक है, फोर वन फोर सिक्स एंड एट। अब अगर आप ए यूनियन बी चेक करें बेटो, सॉरी ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज फाइंड आउट करें तो कॉमन क्या है आपके पास, है ना, अगर हम यहाँ पर बात देखें तो क्या हो जाएगा, सॉरी बी डेज, बी डेज में नाइन भी तो आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा, नाइन भी आएगा, नाइन भी आएगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ नाइन को भी राइट करेंगे, ये हो जाएगा कॉमन नाइन। चलो तो देखो, कॉमन वन भी है और नाइन भी है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, सो हो जाएगा वन एंड नाइन, इक्वेशन नंबर टू। सो क्या हो जाएगा, फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, दिस मीन्स ए यूनियन बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू ए इंटर डेज इंटरसेक्शन बी डेज। क्लियर है, क्लियर है। अब इसकी बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां राइट फाइंड कर लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन क्या है, ओनली टू है, सो ये टू कॉमन हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी ऑफ होल्डेज अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या फाइंड होगा बेटा अपने पास, ये हो जाएगा आप लोगों के पास यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा आपके पास वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। क्लियर, चलिए अब अगर एडेस फाइंड आउट करते तो एडेस क्या होगा, यू माइनस ए,
तो अगर ए डेज, देखो ए डेज और बी डेज हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कैंसिल कर दें यहाँ से, सॉरी है ना, ए डेज और बी डेज तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, चलो छोड़ो। तो ए डेज बी डेज गिवन है हमें, तो क्या करेंगे हम, ए डेज यूनियन बी डेज करेंगे। तो ए डेज यूनियन बी डेज क्या होगा आपके पास, तो ए डेज यूनियन बी डेज फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, तो क्या हो जाएगा, फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, भाई क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू ए डेज यूनियन बी डेज। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रॉ है ना, क्या बोला है अपने पास, कहता है ड्रॉ वेन डायग्राम, आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है फॉर विच, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग है ना। अब आपको, आपके पास वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम आपके पास ये दिख रहे हैं क्या, अब वेन डायग्राम बनाना है तो वेन डायग्राम के लिए देखो ये आपके पास दिख रहे हैं, वेन डायग्राम बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर सर ये वेन डायग्राम हमको तो समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, हम वेन डायग्राम देखते हैं बेटा। वेन डायग्राम के लिए मैं एक अलग से स्लाइड ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम एक पेज ऐड कर देते हैं, एक सेकेंड, चलिए इस पेज को ऐड कर दिया हमने, अब यहाँ ध्यान से देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट आप देखेंगे बेटा, तो आपके पास क्या दिया है, ए यूनियन बी ऑफ होल डेज, फर्स्ट क्या है आपके पास, ए यूनियन बी ऑफ होल डेज। अब ए यूनियन बी ऑफ होल डेज है आपके पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब अगर वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा और लॉन्ग कर लेते हैं, ये कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं पिंक, ठीक है, कलर क्या हो गया इसका, थोड़ा पिंक हो गया, सॉरी अंडू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक। अब ध्यान से देखिए, हमें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दोनों का इंटरसेक्शन करना है और उसके बाद उसका क्या करना है, हमको डेज फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए बना लेते हैं, तो हमारे पास ए ए बन जाएगा, ये ए है आपके पास, ध्यान से देखिए, और हम यहां इसकी कॉपी कर लेते हैं और ये बी बना लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये हमारे पास ए सेट है और ये बी सेट है, अब ये टोटल यू है हमारे पास, तो ध्यान से देखो, अगर मैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी चेक करूं तो ए यूनियन बी कौन सा मिलता है बेटा अपने पास, ये ए यूनियन बी है टोटल पूरा का पूरा, जो ये वाइड बना दी हमने सेडेड भाग है ना, सेडेड रीजन। अब मुझे बताइए कि अगर मैं ए यूनियन बी का अगर डेज फाइंड आउट करूं, दिस मीन्स क्या होगा, दिस मीन्स क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी, यही होगा, तो ए यूनियन बी के बाहर का, ए यूनियन बी के बाहर का रीजन, ए यूनियन बी के बाहर के अगर रीजन की बात करें बच्चों, तो क्या मैं इस रीजन को कुछ ये बता सकता हूँ, ये इंक हमारे काम की नहीं है, चलिए तो क्या ये रीजन मिल जाएगा हमारे पास, ये रीजन, ये जो मैं सेटेड रीजन कर रहा हूं है ना येलो से, ये रीजन, तो हमारे पास ये जो रीजन बना सेटेड रीजन येलो, वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, तो ये क्या है बेटा अपने पास, ए यूनियन बी ऑफ होल डेज, क्लियर है क्या, यही बात हमारे पास दी गई थी, देख लीजिए ये सेटेड रीजन है बाहर का ए यूनियन बी आप फोल डेज के लिए, क्लियर है क्या, इसी बात को हम यहां समझें, ए डेज इंटर सेक्शन बी डेज। अब ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज को, चलिए तो सेकंड हो गया हमारे पास, अगर मैं सेकंड ले लूं ये हो गया हमारे पास ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज, इसके लिए भी डायग्राम बनाएंगे हम, तो डायग्राम कैसे क्रिएट करेंगे बच्चों, ये ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये हो गया अपने पास ए
और ये आप कॉपी कर लेते हैं, अपने पास हो गया बी, ठीक है, ए बी, ये आपके पास सेट ए है और ये सेट बी है। अब ए अगर फाइंड आउट करें हम, है ना, ए अगर फाइंड आउट करें, ए डेस फाइंड आउट करें, तो ए डेस का मीनिंग क्या है, ए डेस का मीनिंग, ए डेस का मतलब ये बाहर वाला रीजन, और बी डेस की अगर बात करें तो बी डेस का ये रीजन बाहर वाला पूरा का पूरा। अभी दोनों का इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, अगर मैं ए डेस फाइंड आउट करूं तो ए डेस के लिए मैं वाइट इंक का यूज कर लेता हूं, चलो ठीक है, ए डेस, ये हमारे पास ए डेस अगर फाइंड आउट करे तो ये ए डेस हो जाएगा, ये ए डेस हो गया। अगर मैं अब बी डेस की बात करूं बेटा, अगर मैं बी डेस की बात करूं तो बी डेस क्या हो जाएगा अपने पास, ये बी डेस हो जाएगा, ये बी डेस, ठीक है, ए डेस मिल गया, बी डेस मिल गया। अब इसका इंटरसेक्शन, ए डेस और ये बी डेस मिल गया, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन रीजन कौन सा है, तो कॉमन रीजन देख पा रहे होंगे कि ये बाहर का आउटर वाला है, ये बीच का कोई भी कॉमन मिल रहा है क्या, न ये कॉमन मिल रहा है, न ये कॉमन मिल रहा है, न ये कॉमन मिल रहा है, तो आपका आउटर साइड का है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं बच्चों, इसका मतलब मैं अगर बात करूं आप लोगों से कि अगर मैं ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस बताऊं आपको, तो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस मिलेगा बच्चों आप लोगों को ये भाग, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, क्योंकि ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस की बात ध्यान से देखो, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस इज इक्वल टू ए यूनियन बी ऑफ होल डेस होता है ना, क्या होता है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी ऑफ होल डेस, यानी कि ए यूनियन बी निकल गया इसके बाहर वाला रीजन पूरा का पूरा। क्या यही वाला डायग्राम ये गिवन है आप लोगों के पास, देखिए ये बाहर का रीजन साइडेड है, ध्यान से देखिए बाहर का रीजन साइडेड है पूरा का पूरा, ठीक है। अब अगर वैसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी डेस आप फोल डेस देखोगे तो भाई ध्यान से देखो, आप इस एरिया को, इस रीजन को, इस रीजन को छोड़ दीजिए, इस रीजन को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी रीजन है आपको सेटेड मिल रहा है, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी ऑफ होल डेस हो जाएगा। वैसे ही आपके पास ए यू डेस इंटरसेक्शन बी डेस अगर बात करें तो बेटा ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपको इसको छोड़ देने का है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है, ये कहता है आपके पास लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, यू के आपके पास, यू है आपके पास ऑल ट्राइंगल, ऑल ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एंड एक सेट ए है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ऑल ट्राइंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए 60 डिग्री से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। वॉट इज ए डेज, मतलब क्या हो गया आपके पास, ऐसा ट्राइंगल लेना है, ऐसे ट्राइंगल लेना है जिसका कम से कम एक एंगल, मिनिमम वन एंगल, मिनिमम वन एंगल क्या होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए आपके पास, 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। अब 60 डिग्री नहीं होना चाहिए तो ए डेज क्या होगा, ए डेज क्या होगा, कम से कम एक एंगल, मतलब अधिक से अधिक एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, मतलब एक से अधिक एंगल हमारे पास 60 डिग्री नहीं हो सकते, सही बात है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो क्या मैं यहाँ पर कौन से ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करना चाहिए बताइए जल्दी से, कौन से ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करना चाहिए बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा बताइए। चलिए होमवर्क देते हैं आपको, ये आप बना कर बताएंगे, नहीं बनेगा तो कॉमेंट करेंगे, और बनेगा भी तो कॉमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चलिए अब कहता है फिल इन द ब्लैंक्स और टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, अब आपको यहाँ पर ट्रू एंड फॉल स्टेटमेंट बतानी है बच्चों, क्लियर है। तो देखिए ए यूनियन ए डेस, अगर आप ए यूनियन ए डेस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, तो बेटा यू मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, यू मिलेगा, ए यूनियन ए डेस। अरे भाई एक बात समझो ना, एक बात समझो, नहीं समझ में आ रहा होगा तो वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास U है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, ये क्या है मेरे पास, A है, ये हमने कहा A है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये U है, ये A है,
ये टोटल पूरा का पूरा ए है, तो ए डेस क्या होगा, बाहर होगा। और ए और ए का यूनियन करूँ तो यू ही तो मिल, ए डेस और ए का यूनियन करेंगे तो यू ही तो मिलेगा अपने पास, यूनिवर्सल सेट मिलेगा तो यू आ जाएगा। अगर मैं फाई डेस करूँ, इंटरसेक्शन ए कर दे, अब ध्यान से देखो, अगर इसी को हम थोड़ा सा सुधार दे, ध्यान से देखो, अब आपके पास ये ए है, ये आपके पास यू है। अब कहता है प्लस फाई, फाई मतलब कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, फाई मतलब कुछ है नहीं, मतलब अगर मैं फाई डेस कर दूँ, तो क्या आएगा, मतलब ये हो जाएगा, अगर फाई डेस करें तो यू माइनस फाई करेंगे तो भाई यू ही तो आएगा, मतलब क्या आएगा, यू आएगा, मतलब यू इंटरसेक्शन ए करें, अगर यू इंटरसेक्शन ए करें, तो क्या मिलेगा बेटा, फाई मिलेगा के यू इंटरसेक्शन ए करें, दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, ऐसा है, नहीं, सॉरी गलत हो गया, तो हमारा क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा आंसर ए। अरे यू इंटरसेक्शन ए करे, भाई यू तो पूरा का पूरा ये ना, ये यू है, इसमें कॉमन क्या है, ए ही तो है, ए आएगा। चलिए ए इंटरसेक्शन ए डेस, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब फाई, और यू डेस इंटरसेक्शन ए, यूडेस का मीनिंग होगा यू माइनस यू, जो यू में हो बट यू में ना हो, मतलब क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है, फाई क्या आ गया, फाई। अब यूडेस आ गया अपने पास, फाई आ गया, फाई इंटरसेक्शन ए, फाई और इंटरसेक्शन ए करेंगे, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फाई, इसका मतलब है, इसका मीनिंग क्या होगा, फाई होगा। क्लियर है बेटा, तो इसके बाद मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, हम विदा चाहेंगे आप लोगों से, बढ़ते हैं।